मैं राइट क्लिक करूँगा, कॉपी फाइल पाथ किया और ब्राउज़र मैंने किया ओपन। मेरा वॉइस आ रहा होगा आप लोगों को, और मैं ब्राउज़र ओपन किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और जैसे ही मैं अप्लाई स्टाइल पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, और इसमें स्टाइल जो है अप्लाई हो जाएगा। तो हमने कल के चैप्टर में जो है इतना काम करा हुआ था, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जो कलर सेलेक्ट करूँ वो कलर इसमें दिखाई देता तो ज़्यादा बेहतर होता, राइट? क्योंकि यहाँ तो मैंने अभी कोड में लिख दिया है स्टेटिकली कलर ब्लू होना चाहिए, फ़ॉन्ट का साइज़ 50 पिक्सल होना चाहिए, तो वही अप्लाई हो जा रहा है यहाँ पे। परंतु मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं जो कलर चॉइस करता वो कलर इसमें अप्लाई हो जाता, बढ़िया रहता, मज़ा आ जाता। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए जो है मैं बनाता हूँ दूसरा एक HTML5। HTML5 राइट क्लिक करूँगा, न्यू, 18 पे गया, और 19.javascript.html मैं कर दूंगा सेव। HTML लिख के टैब मारा, पेस्ट कर दिया, राइट। नीचे मैं ले लेता हूँ स्क्रिप्ट टैग, और बॉडी के अंदर कुछ मैं एलिमेंट लेता हूँ। जैसे यहाँ पे एक पी टैग ले लूँगा, इसमें लिख दूंगा माई नेम ESEMALT। मैं वही प्रोजेक्ट फिर से बना रहा हूँ जो पिछला है, बस मैं क्या करूँगा कि यूजर से इनपुट लेने का फैसिलिटी दूंगा कलर वगैरह का, राइट। यहाँ पे मैं आईडी दे दूंगा ताकि सेलेक्ट कर सकूँ इस पैराग्राफ टैग को। तो आईडी में मैं दे दूंगा नेम, और यहाँ पे एक बटनिक कलर लेता हूँ, तो इनपुट टाइप में दे दूंगा COYLOR, और नेम का मुझे ज़रूरत नहीं है, इसका आईडी में दे दूंगा COYLOR। इसी को मैं राइट क्लिक करके कॉपी फाइल पाथ किया, और ब्राउज़र में यहाँ से मैं रन कर दूंगा ऐसे। तो यहाँ पे एक कलर पिकर एक ठो आ गया है, और यहाँ पे माई नेम में चला गया सिमंत, राइट। तो यहाँ पे मैं जो कलर लूँ वो कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाए मैं चाहता हूँ। और मैंने पिछले वाले चैप्टर में जो है फॉन्ट का भी इस्तेमाल किया था, फॉन्ट साइज का, तो मैं यहाँ भी चाहता हूँ कि फॉन्ट के लिए भी एक आ जाए कंट्रोल। तो फॉन्ट के लिए मैं रेंज कंट्रोल ले लूँगा, इनपुट टाइप में RANGE रेंज ले लूँगा, और आईडी ले लेता हूँ ताकि सेलेक्ट कर सक, तो मैं आईडी में रेंज दे दूंगा। तो यहाँ पे एक स्लाइडर भी आ गया है ऐसे, स्लाइडर में मैं दो वैल्यू और दे दूंगा, एक मिन दे दूंगा, मिन में होगा 5, और मैक्स वैल्यू में दे दूंगा क्या दे दूँ, 20 है 100, राइट। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही इसमें कलर में क्या करूँ चॉइस, इसमें जैसे ही मैं कलर चॉइस करूँ तो इस पैराग्राफ का कलर चेंज हो जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इस कलर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, document.getElementById, यहाँ दे दूंगा COLOR। तो इससे क्या हुआ, कलर मेरा सेलेक्ट हो गया, पर मुझे किसी वेरिएबल में होल्ड करना पड़ेगा, तो मैंने लेट लगा COYLOR, मैंने कलर नाम के वेरिएबल में होल्ड कर लिया इसको। और फिर मैं क्या करूँगा कि इसमें मैं क्या करूँगा, कलर सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैं इसका कलर सेलेक्ट करूँगा तो क्या होगा, ऑन चेंज इवेंट होगा। तो मैं यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट करूँगा, डॉट कलर डॉट ऑन चेंज, गलत लिख दिया, ऑन चेंज इवेंट। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इक्वल टू का साइन
फंक्शन टैब दबाया, इसको मैं डिलीट किया, फिर टैब दबाया, बॉडी डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे मैं अलर्ट में क्या करूँगा, कलर का वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, राइट, इस कलर का वैल्यू, राइट। तो इवेंट मैंने किस में पास करा है, इस कलर में ही पास किया है इवेंट। तो फंक्शन के अंदर यहाँ पे दिस लिख दूंगा तो क्या सेलेक्ट होगा, ये वाला कलर, ये वाला कलर का मतलब ये वाला कलर, और इस वाले कलर का वैल्यू चाहिए तो क्या करूँगा, वैल्यू एट्रीब्यूट में एक्सेस करूँगा। तो यहाँ पे दिस डॉट VALUE वैल्यू, राइट, मैंने प्रिंट करा वैल्यू। अब देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे मैं आया, कलर चॉइस किया और इधर आया, तो यहाँ पे देखिए एक कोड आ गया, ये हेक्स कोड है, कलर का नाम रिटर्न नहीं कर रहा है, ये हेक्स कोड रिटर्न कर रहा है। तो हम स्टाइल के अंदर कलर प्रॉपर्टी में हेक्स कोड को भी अगर हम डालेंगे तो क्या होगा, हमारा काम करने लगेगा कलर प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी को हेक्स कोड भी देंगे तो दिक्कत नहीं है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, अब हटाऊंगा, लेट एक वेरिएबल बनाऊंगा, या फिर वेरिएबल ना बना करके मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, इस पैराग्राफ को भी सेलेक्ट करूँगा, राइट, क्योंकि कलर को तो मैं सेलेक्ट कर ही लिया, अब इसको भी सेलेक्ट करूँगा तब तो इसमें कलर अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे आऊँगा मैं और क्या करूँगा, लेट P इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, आई डी में लिख दूंगा क्या, इसका आई डी नेम है नेम, तो यहाँ पे मैं लिख दिया नेम, इसे पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। अब इस पैराग्राफ का मुझे क्या करना है, कलर चेंज करना है, तो आऊँगा नीचे और लिखूँगा P डॉट। तो पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि स्टाइल अप्लाई करना है टैग के अंदर, तो हमें स्टाइल टैग स्टाइल एट्रीब्यूट देना पड़ेगा, राइट, पी डॉट स्टाइल लिख दूंगा। अब स्टाइल के बाद फिर से डॉट दूंगा और उसके बाद मुझे कौन सा स्टाइल देना है उसका नाम लिखूंगा, तो मुझे कलर जो है चेंज करना है, तो कलर प्रॉपर्टी ऐसे मैं दे दूंगा, उसके बाद क्या लिखूंगा, दिस डॉट VALUE वैल्यू, राइट। अब इस सारे कोड का क्या मतलब है, इस कोड का मतलब है पैराग्राफ सेलेक्ट किया, इस कोड का मतलब है कलर सेलेक्ट हो गया, इस कोड का क्या मतलब है कि कलर में जैसे ही चेंज हो, कलर मतलब मैं कलर सेलेक्ट करूं तो क्या हो, जो पैराग्राफ है उसका कलर क्या हो जाए, कलर में मैं जो कलर सेलेक्ट किया हूं, राइट। मैं इसको प्रोग्राम को रन करता हूं, यहां पे आया, रेड सेलेक्ट किया, ऐसा किया तो यहाँ पे देखिए कलर रेड हो गया। तो क्या हो रहा है, इंटरनली इस कलर पीकर का कलर उठ रहा है और वो कलर उठ करके इसमें सेलेक्ट हो जा रहा है। कहाँ मैं क्लिक कर दिया, ये देखिए इसका कलर उठा और इसमें सेलेक्ट हो जा रहा है, राइट, ऐसा हो रहा है, इसमें कलर देखिए चेंज हो जा रहा है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो रेंज है ना, इसको मैं आगे पीछे करूँ तो इसका फॉन्ट चेंज हो, कैसे होगा, तो सिंपल सी लॉजिक है, इस पे भी ऑन चेंज प्रॉपर्टी हम पास कर देंगे, इसमें तो ऑन इनपुट पास करेंगे तो अच्छा होगा, पर पहले मैं ऑन चेंज पास करके दिखाऊंगा। तो जैसे ही इस पे ऑन चेंज हो तो इसका जो है वैल्यू उठे और इसमें फॉन्ट में अप्लाई हो जाए, राइट, इसका वैल्यू उठे और पैराग्राफ के फॉन्ट में अप्लाई हो जाए, कैसे होगा, आते हैं। सबसे पहले मुझे रेंज सेलेक्ट करना होगा, तो मैं लेट करूंगा, फिर RAN कर दूंगा इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, इसका ID का वैल्यू क्या है, रेंज, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा रेंज, राइट। अब मैं क्या करूँगा कि रेंज में भी क्या करूँगा, ऑन चेंज प्रॉपर्टी मैं पास करूँगा डॉट, तो रेंज लिखा डॉट ऑन चेंज लिखा और इक्वल टू फंक्शन ऐसे लिखा और ऐसे, राइट। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा,
ये है पैराग्राफ, इसी पैराग्राफ का तो मुझे फॉन्ट बदलना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा पी डॉट स्टाइल, राइट। सी एस एस में कैसे फॉन्ट चेंज होता है, तो मैं बताया था पिछले चैप्टर में क्या था, फॉन्ट डॉट SIZE, ऐसे लिखा जाता है सी एस एस में। लेकिन इसको जावा स्क्रिप्ट में हम कैसे लिखेंगे, जावा स्क्रिप्ट में ये माइनस का साइन हट जाएगा और जो साइज का एस है वो हो जाएगा कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पे डॉट तो हमें लगाना ही है, तो फॉन्ट साइज हो गया। अब फॉन्ट साइज इक्वल टू क्या करूँगा, दिस डॉट वैल्यू, राइट। तो मैं पहले कंसोल डॉट लॉग करता हूँ वैल्यू को, तो ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पे मैं दिस किया डॉट वैल्यू कर देता हूँ, सेव किया, प्रोग्राम में रन करूँगा। ये देखिए इसको मैंने बढ़ाया छोड़ दिया, तो यहाँ पे आया है 171। लेकिन सिर्फ 171 लिखने से इसका फॉन्ट तो साइज नहीं बदल जाएगा, इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें पिक्सल भी जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आऊँगा क्या करूँगा, कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग के फॉर्म में PX, राइट। यहाँ पे कॉन्केटिनेट करके दे दूंगा PX, राइट। तो अब आप देखिएगा कैसे आएगा, यहाँ पे मैं आए बढ़ाया, ये देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया मैं इसको, मैं रीसेट करता हूँ 100 से, ये देखिए तो इतना हो गया। मैं इसको छोटा करता हूँ, देखिए तो छोटा हो गया, राइट। तो ये देखिए 40 पिक्सल आ गया, राइट। इसको मैं बढ़ाता हूँ फिर छोड़ता हूँ, तब इसका फॉन्ट बदल रहा है, और ये देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया, राइट। मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसको जैसे जैसे मैं आगे पीछे करूँ वैसे वैसे इसका फॉन्ट चेंज हो, तो क्या करूँगा, ऑन इनपुट प्रॉपर्टी लगाऊंगा। तो यहाँ पे ऑन ही है, चेंज को हटाऊंगा और इनपुट, सॉरी मैं इनपुट लिखूंगा, हाँ इनपुट हो गया। अब देखिएगा ये कंसोल डॉट तो मैं दिखाने के लिए लिखा था, प्रिंट करने के लिए कंसोल पे, तो ये देखिए हो रहा है, ये देखिए चेंज, राइट। इसी पे मैं आगे पीछे कर रहा हूँ तो चेंज हो रहा है, ये देखिए हो रहा है ना। और फिर यहाँ पे मैं कलर चेंज करूँगा तो कलर चेंज हो जाएगा, ये देखिए इसी को मैं थोड़ा बढ़ाऊंगा तो ये हो जाएगा। तो यही है इसमें, मैं कंसोल डॉट लॉक किया था, इसको मैं हटा दूंगा, इसका मिनिमम 5 है उस जो उसको 3 दे दूंगा, मैक्सिमम 100 करता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया था 200। तो ये इसी तरह से जो है काम करेगा। तो इसमें कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए, ये देखिए इसमें कुछ दिक्कत है नहीं है, क्या कहते हैं आप। देखिए इस्तेमाल तो हमें CSS ही करना चाहिए, राइट, हमें इस्तेमाल CSS ही करना चाहिए, परंतु सम टाइम हमें प्रोजेक्ट के समय जरूरत पड़ जाता है जावा स्क्रिप्ट से CSS अप्लाई करने का, तो वो अप्लाई हम इस तरह से करेंगे। सम टाइम क्या होता है, एक ही तरह का स्टाइल अलग अलग जगहों पे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है कंडीशन के आधार पे, तो उस समय हम CSS में क्लास बना लेंगे और उस क्लास को रिमूव करेंगे और डिलीट करेंगे रन टाइम पे, राइट। तो यही हम करेंगे। अरविंद जी आपको क्लियर है, नहीं है क्लियर, क्लियर है, ठीक है। चलिए ये पिछला अगर आपको होगा तो पिछला आप देखिएगा रिकॉर्डिंग, तब जो है और थोड़ा समझ में आएगा, पिछला देखिएगा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा जो है स्काइप पे, और स्काइप पे नहीं मिलता तो यूट्यूब पे भी आप ले खोज सकते हैं, मिल जाएगा बड़े आसानी से। हाँ ठीक है, तो यूट्यूब पे आप खोज लेंगे तो यहाँ पे भी मिल जाएगा जो है। मेरा नेट थोड़ा स्लो है इसलिए टाइम ले रहा है यूट्यूब खोलने में, तो इस तरह से जो है हो जाएगा।
तो अब मैं क्या चाह रहा हूं कि ऐसा हो सकता है क्या, एक टास्क रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है, कि यहाँ पे जैसे माय नेम इज सेमंत यहाँ पे लिखा मैं, राइट, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं 2-3 बार और कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, और फिर मैं क्या चाहता हूँ कि देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो अप्लाई हो जाए अपने आप, यहाँ पे क्लिक करूँ तो अपने आप स्टाइल अप्लाई हो जाए, मतलब जिस एलिमेंट पे क्लिक करूँ ना उस एलिमेंट पे अपने आप स्टाइल अप्लाई हो जाना चाहिए, राइट। तो ये जो है आप लोग के लिए टास्क रहेगा कि सिर्फ क्लिक करने पे अप्लाई हो जाना चाहिए, और डबल क्लिक करें तो अप्लाई रिमूव हो जाना चाहिए। तो हो जाएगा ये आप लोग से, क्यों, क्या कहते हैं? मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कैसे होगा। इन सारे कोड को मैं कमेंट करता हूँ, और मैंने जो बोला कि टास्क रहेगा तो इम्प्लीमेंट कैसे होगा उसको मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी मैं कमेंट करता हूँ, और मुझे जो करना है डीयू के अंदर आऊँगा, और यहाँ पे पैराग्राफ में मैं कुछ जावा स्क्रिप्ट लिखा, यहाँ पे लिख दिया जेस, मैं 2-3 बार इसी को पेस्ट कर दिया, राइट। तो मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे कि इस जावा स्क्रिप्ट पे क्लिक करूँ तो स्टाइलिंग अपने आप अप्लाई हो जाए, इस पे क्लिक करूँ तो अपने आप अप्लाई हो जाए, इस पे क्लिक करूँ तो अपने आप अप्लाई हो जाए, राइट, और इसको मैं सेलेक्ट करूँ तो भी अप्लाई होना शुरू हो जाए। मतलब जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद इसको आगे पीछे करूं तो फॉन्ट साइज बढ़ने घटने लगे, यहाँ से कलर बदलने लगे, फिर उसके बाद इस जावा स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करूं तो भी इसको आगे पीछे करूं तो इसका फॉन्ट साइज बढ़ने घटने लगे, राइट। तो यही आपको बनाना है, ठीक है। मैं हिंट थोड़ा सा दे दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो ये सारा एलिमेंट कहाँ है, हमारे HTML डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, राइट। तो हम क्या करेंगे, DOC डॉक्यूमेंट डॉट ऑन क्लिक, CLIC के ऑन क्लिक करूँगा, और यहाँ पे लगा लिखूँगा फंक्शन, राइट। फंक्शन लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर दे दूँगा ई नाम से, मैं ई नाम से दे रहा हूँ, आप किसी भी नाम से दे सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे करूँगा मैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ई को प्रिंट कर रहा हूँ, ई को प्रिंट करूँगा तो क्या होगा आप देखिएगा, यहाँ पे क्लिक किया, ई को प्रिंट किया तो ये देखिए पूरा सारा ये आ गया, ठीक है। अब इसी इवेंट पे डॉट लगाया टारगेट, ठीक है, ई डॉट टारगेट लिखूँगा ना तो देखिएगा अब क्या होता है, ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ये देखिए इस पे क्लिक किया तो ये वाला जेएस आ गया ना, इस पे नीचे पे क्लिक करूँगा तो नीचे वाला जेएस आया, ऊपर वाले पे क्लिक करूँगा तो ऊपर वाला जेएस आ गया, ठीक। तो अब मैं क्या करूँगा, ई डॉट टारगेट तो मैंने लिख ही दिया, ई डॉट टारगेट लिखने से मेरा एलिमेंट सेलेक्ट भी हो गया, तो क्या इसमें मैं स्टाइल अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, स्टाइलिंग तो अप्लाई कर ही सकता हूँ इस पे, कैसे दिखाता हूँ, डॉट स्टाइल, स्टाइल के बाद कौन सा स्टाइल देना है तो मैं डॉट बॉर्डर करता हूँ, बॉर्डर, ठीक, इक्वल टू स्पेस सॉलिड, ठीक है, सेमी कोलन दिया मैं, इस पे आता हूँ, क्लिक किया, ये देखिए तो ये सॉलिड हो गया ना अपने आप, ये देखिए सॉलिड हो गया, इस पे आके क्लिक करूंगा तो ये भी सॉलिड हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से जो है ये बॉर्डर हो जा रहा है, जिस पे क्लिक करूंगा ऊपर क्लिक किया तो पूरा बॉर्डर में आ गया, ठीक है। फिर इसको रिफ्रेश किया, यहाँ बीच में क्लिक करूंगा तो ये बॉर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बॉर्डर हो जाएगा। मान लीजिए बॉर्डर को हटा, कलर रिमूव करना है, जो भी कलर हमने अप्लाई किया, ठीक है, जो भी स्टाइल अप्लाई किया उसको हटाना है तो क्या करेंगे, मैंने बोला था डबल क्लिक करने पर हटना चाहिए,
तो इसी इवेंट को कॉपी करूंगा, नीचे पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे ऑन डबल क्लिक इवेंट होता है, राइट। तो यहाँ पे ऑन है DBL, ठीक है। तो ये क्या है, डबल क्लिक इवेंट, राइट। अब यहाँ पे मैं बॉर्डर को क्या करूँगा, NONE नन कर देता हूँ, राइट। यहाँ पे मैं आता हूँ, रिफ्रेश किया, इस पे क्लिक किया, बॉर्डर आ गया, डबल क्लिक किया, बॉर्डर हट गया। यहाँ पे क्लिक किया, बॉर्डर आ गया, डबल क्लिक किया, हट गया। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो डिव सेलेक्ट हो जाएगा, डबल क्लिक कर दूंगा, डिव हट जाएगा, ठीक है। ये देखिए हट गया, तो ये देखिए। अब इस पे क्लिक करूँगा तो इस पे लग गया, डबल क्लिक किया, हट गया। यहाँ पे डबल क्लिक किया, हट गया। तो इस तरह से जो है हटेगा और आएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे सिंगल था बॉर्डर, तो बॉर्डर को हमने नन किया, लेकिन मल्टीपल स्टाइल होगा तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मल्टीपल स्टाइल रिमूव करने के लिए क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पे क्लिक की, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ, एलिमेंट आ गया। आप ध्यान से देखिएगा इन पे, ठीक। मैं बीच वाले जावा स्क्रिप्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखिएगा, राइट क्लिक किया, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, रन टाइम पे स्टाइल लागू हो गया, ठीक। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, डबल क्लिक किया, यहाँ पे डबल क्लिक किया, डिलीट कर देता हूँ इसको, ऐसे एंटर मारा, हट गया ना स्टाइलिंग, फिर क्लिक किया तो आ गया। मतलब ये हुआ, मेरा कहने का मतलब कि अगर स्टाइल एट्रीब्यूट को रिमूव कर दूं तो हमारा जो है जितना भी स्टाइल लागू होगा वो सारा हट जाएगा, हट जाएगा ना। तो क्या कैसे कर किया जाए अब, या तो स्टाइल एट्रीब्यूट को ही मैं डिलीट मार दूं, या तो स्टाइल एट्रीब्यूट का जो वैल्यू है उसी को डिलीट मार दूं, वैल्यू भी डिलीट मार दूंगा तो ये हट जाएगा, राइट। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं हटाऊंगा यहाँ तक, ठीक। टारगेट में आ रहा है एलिमेंट, ठीक। टारगेट में मैं क्या करूंगा, किसी भी एट्रीब्यूट को रिमूव करने के लिए जावा स्क्रिप्ट आपको एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, उस फंक्शन का क्या नाम है, रिमूव ए ट्रीब्यू। ये है क्या, पता नहीं, हाँ यही होगा शायद, स्पेलिंग। यहाँ पे मैं स्टाइल एट्रीब्यूट पास कर दिया, ठीक। अब स्पेलिंग गलत नहीं होगा तो चल जाना चाहिए, रिफ्रेश मारा, इस पे मैंने क्लिक किया, ठीक, लागू हो गया। अब मैं इसी पे डबल क्लिक किया, हट गया। यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट था ना, गायब हो गया स्टाइल एट्रीब्यूट, तो क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है, दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए, मेरा ब्लूटूथ का ना बैटरी लो हो चुका है, तो आगे का क्लास जो है टुमोरो करते, ओके।